Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो एमआरआई में आज हम पढ़ेंगे पल्स सीक्वेंस के बारे में. प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. पल्स सीक्वेंस. पल्स सीक्वेंस एमआरआई में हमें चार पल्स सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट है स्पिन इको सीक्वेंस, सेकेंड है इन्वर्जन रिकवरी, फिर है ग्रेडियंट इको सीक्वेंस, फिर है अल्ट्रा सीक्वेंस लाइक ईपीआई. ये चार सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ना है. आज हम डिस्कस करेंगे स्पिन इको सीक्वेंस के बारे में. बेसिकली स्पिन इको पल्स सीक्वेंस, इसमें दो पल्सेस होते हैं. फर्स्ट होता है 90 डिग्री, फिर होता है 180 डिग्री पल्स. 90 डिग्री पल्स को हम एक्साइटरी पल्स भी कहते हैं और 180 डिग्री पल्स को हम रीफेसिंग पल्स भी कहते हैं. अब क्या होता है, इसमें पहले हम 90 डिग्री पल्स भेजते हैं जो हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन को जो जेड एक्सिस के अलोंग अलाइन होता है, या आप मान सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के अलोंग अलाइन होता है, उसको हम 90 डिग्री पल्स से एक्स वाई प्लेन में लेके आएंगे, जो हमारा ट्रांसफ़र मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन होती है. इसके बाद 90 डिग्री पल्स को हम ऑफ कर देंगे तो जो हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो हमारे एक्स वाई प्लेन से दोबारा रीगेन होने लग जाएंगे जेड एक्सिस के अलोंग. उस टाइम हम 180 डिग्री पल्स सेंड करते हैं, ऑन कर देते हैं, जिससे वो एक्स वाई प्लेन में ही फ्लिप हो जाता है. और जब वो फ्लिप होके 180 डिग्री को हम ऑफ कर देंगे तो वापस अपनी सेम पोजीशन पे जाएगा जेड एक्सिस के अलोंग, या हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के अलोंग. और जब वो अपना रिकवरी करता है, मतलब कि 180 डिग्री ऑफ करने के बाद जब वो हाइड्रोजन प्रोटॉन अपनी सेम ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा तो वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, और उस एनर्जी रिलीज से हम सिग्नल एक्वायर करते हैं और एमआरआई की इमेज बनाते हैं. ये तो हमारा हो गया स्पिन इको सीक्वेंस का. अब थोड़ा सा इसके बारे में डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम क्या है. अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो 90 डिग्री पल्स है ये हमने स्टार्ट की, फिर उसके बाद ये ऑफ करने के बाद फिर हमने 180 डिग्री स्टार्ट की है, और फिर हमें लास्ट में इको मिल रही है सिग्नल्स जो हमें 180 डिग्री को ऑफ करने के बाद मिल रही है. ये इसका बेसिकली डायग्राम हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गई. नेक्स्ट हमारा ये डायग्राम ये स्पिन इको रिप्रेजेंटेशन शो करता है. इसमें हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है आरएफ पल्स. आरएफ पल्स कौन कौन सी इसमें इंक्लूडेड है. फर्स्ट है 90 डिग्री पल्स और सेकंड है 180 डिग्री पल्स. 90 डिग्री पल्स को एक्साइटेटरी पल्स कहते हैं और 180 डिग्री पल्स को रीफेजिंग पल्स कहते हैं. जैसे कि हमारा हाइड्रोजन प्रोटोन पहले एमआरआई मशीन में जाने के बाद जेड एक्सिस के अलोन होता है, इसलिए 90 डिग्री पल्स सेंड करते हैं वो जेड एक्सिस से अपने एक्स वाई प्लेन में आ जाता है, और एक्स वाई प्लेन में जब वो होता है तब हम उस पर तब 90 डिग्री ऑफ होता है, और उसके बाद हम 180 डिग्री को अप्लाई करते हैं. उसके बाद जो 180 डिग्री पल्स है वो ऑफ होती है तो हमें रिकवरी होती है, जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है उसकी रिकवरी होती है, और वो अपने सिग्नल्स जो एनर्जी रिलीज़ करता है उससे हम सिग्नल एक्वायर करते हैं और हमारी एमआरआई इमेज फॉर्म होती है. ये हमारा स्पिन इको सीक्वेंस है. इसके बाद हमें याद रखना है टीआरटीई के बारे में. टीआर क्या है, जो हमारा 90 डिग्री पल्स है, फर्स्ट आर 90 डिग्री पल्स और सेकंड जो हमने 90 डिग्री पल्स भेजी थी उसके बीच के टाइम को हम टाइम ऑफ रिपीटेशन कहेंगे. उसके बाद है टाइम ऑफ इको. टाइम ऑफ इको वो होता है जो हमें फर्स्ट 90 डिग्री पल्स सेंड की है उसके बाद जो हमें सिग्नल मिला है जिस टाइम पे, उसके बीच के टाइम को हम टाइम ऑफ इको कहते हैं, कि हमें कितने टाइम में सिग्नल एक्वायर हुआ है. और हमारा टाइम ऑफ इको थोड़ा सा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में भी होता है, क्योंकि 90 डिग्री पल्स जब हम ऑफ करते हैं जब भी हाइड्रोजन प्रोटॉन एनर्जी लूज करता है, थोड़ी सी एनर्जी हमें उससे, थोड़े से सिग्नल्स भी उससे भी हमें मिलते हैं. इसलिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट है ये हमारा रीड आउट
करता है सिग्नल्स को, इसलिए ये हमारा दो टाइम पे ऑन होता है। जैसे कि यहाँ पे TE/2 में 90 डिग्री और 180 डिग्री पल्स के बीच में भी ऑन है, और ये सिग्नल एक्वायर करने के टाइम पे भी ऑन है क्योंकि ये सिग्नल्स को रीड आउट करता है। और हमारा जो फेज एनकोडिंग ग्रेडियंट है वो जब RF पल्स ऑफ हो जाती है, जब हमारा फेस इनकोडिंग ग्रेडियंट काम करता है, और हमारा स्लाइस सिलेक्शन जो ग्रेडियंट है, जब हमारा RF पल्स भेजते हैं, जब वो स्लाइस ग्रेडियंट हमारा ऑन होता है उस टाइम पे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है स्पिन इको पे। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि जो कन्वेंशनल स्पिन इको होता है उसमें जो के स्पेस की लाइन फिल की जाती है वो 1 TR पे एक लाइन फिल की जाती है। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो स्पिन इको है वो सभी सीक्वेंस का एक तरह से फॉर्मेशन या मदर ऑफ ऑल सीक्वेंस कहते हैं इसको। इसी यही बेस से यही एक बेसिक सीक्वेंस है जिसको समझने के बाद हम बाकी सीक्वेंस को समझ सकते हैं। थोड़ा सा T2 और T1 के बारे में भी जान लेते हैं। जो हमारा T2 वेटेड इमेज होता है वो हमारे लिए पैथोलॉजी के लिए समझने के लिए सीक्वेंस अच्छा होता है, और जो हमारा T1 होता है वो हमारा एनाटॉमी के लिए अच्छा होता है। तो ये था हमारा स्पिन इको सीक्वेंस। सो दैट्स ऑल ऑफ दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।